चिंतन चिंतन। राजस्थान के एक इलाके में एक घुड़सवार किसी जानवर का पीछा कर रहा था, और जानवर इधर से उधर जो है वो कभी झाड़ियों में छुप जाता, कभी खेत में से गुजरता तो घुड़सवार उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता। तभी खेत के मालिक की लड़की वहां आई और उसने कहा, ए घुड़सवार। उसने सोचा कोई सैनिक होगा, ये खेत दिखाई नहीं देता, कितनी फसल खराब कर रहे हो हमारी। घुड़सवार बोला, ये एक जंगली सुअर है, ये तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है, मैं इसको मार करके इसका शिकार करके लेके जाऊंगा। तो इसके लिए इतना क्यों भाग दौड़ कर रहे हो, सारा खेत खराब कर दिया। अब ये घुड़सवार साहब उस इलाके का राजकुमार था, कहते बगैर खेत खराब किए कैसे इसका शिकार करूं फिर। अब घोड़ा तो दौड़ रहा है तो थोड़ी बहुत फसलें तो खराब होंगी, उसका हजाना हम आपको दे देंगे। लड़की ने कहा, एक मिनट रुको, कहाँ है वो जानवर। उसने कहा कि झाड़ियों में उधर छुपा हुआ है, बहुत खतरनाक है। वो लड़की एक लाठी लेकर झाड़ियों में घुसी। घुड़सवार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो रुकी नहीं और झाड़ियों में थोड़ी देर में ही उस जंगली जानवर को मारकर अपने कंधे पर डालकर बाहर निकली। तो वो राजकुमार हैरान रह गया। पिछले आधे घंटे से सारा खेत रौंद डाला, इतनी सी बात के लिए, मेरे लिए 5 मिनट का काम था, हम तो रोज ऐसे जंगली जानवरों से भिड़ते हैं। राजकुमार देखता रह गया। महिलाएं बहुत नाजुक समझी जाती हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो शक्ति बन जाती है। राजकुमार ने उसके पिता से शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि ऐसी औरत जो बहादुरी का प्रदर्शन करती है, उससे जो संतान पैदा होगी हमारे राष्ट्र की रक्षा में, देश की सुरक्षा में, वो बहुत ही कारगर साबित होगी। अब वो किसान की लड़की रानी बनकर के महलों में पहुंची, और राजकुमार जब राजा बने तो राजकाज के काम में उनका हाथ बटाने लगी। चिंतन चिंतन।